फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है स्लाइडर जॉइंट विथ एडवांस कंट्रोल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्लाइडर जॉइंट को हम कैसे यूज कर सकते हैं क्रियो में, और उसमें जो एडवांस कंट्रोल है, जैसे कि हम लोग लिमिट कंस्ट्रेंट यूज करते हैं इसमें, तो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं और फिर उसमें मैकेनिज्म डाल के कैसे देख सकते हैं। अगर आपको भी हमारे इस CAD मॉडल को प्रैक्टिस करना है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो डाउनलोड करने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए, आप हमारे वेबसाइट पर फॉरवर्ड हो जाएंगे। वेबसाइट पर आप अपना मेल आईडी सबमिट कीजिए। डाउनलोडिंग पेज पे आने के बाद यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट फाइल रखा हुआ है, इसको सिंपली आप डाउनलोड कर दीजिए। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, जैसे कि आप देख रहे हो फ्रेंड्स, एक एक्सकेवेटर है। इसका जो आर्म होता है ये हाइड्रोलिक से कंट्रोल होता है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं हाइड्रोलिक पिस्टन एंड सिलेंडर का अरेंजमेंट है, तो ये आर्म है उससे कंट्रोल किया जाता है। तो इसका जब हम लोग डिजाइन करते हैं क्रियो में, तो बेसिकली हम लोग क्या फॉलो करते हैं, इसको स्लाइडर मैकेनिज्म यूज करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे स्लाइडर मैकेनिज्म यहाँ पे कैसे लगा सकते, तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने क्या किया है, जो अननेसेसरी पार्ट्स था उसको मैंने हाइड कर लिया, क्योंकि हम लोग बेसिकली काम इस आर्म के ऊपर करेंगे। सो ये रहा मेरा हाइड्रोलिक सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट। तो अब इसमें क्या होता है, हम लोग यहाँ पे पिन जॉइंट दे चुके हैं पहले से, दोनों साइड में पिन जॉइंट दे चुके हैं। जब मैं ड्रैग कंपोनेंट यूज करता हूँ तो देखिए मेरा पार्ट जो है ये अभी इधर ऐसे मूव कर रहा है, बट मेरे को अगर ड्रैग ड्रॉप करना है तो देखिए क्या कैसे चाहिए, मेरे को इसके अंदर मूव करना चाहिए, तो मैं कैसे ला सकता हूँ उसको। सो अब मैं क्या करूँगा, मेरा सिलेंडर का डेफिनेशन देखिए आप, यहाँ पे मैंने सिंपली बस पिन जॉइंट किया। अब पिस्टन के डेफिनेशन पे चलते हैं, पिस्टन भी हमारा क्या हुआ है, पिन जॉइंट हुआ है। बट अब हमें पिस्टन के डेफिनेशन के अंदर ही स्लाइडर जॉइंट भी हमें ऐड करना है। तो मैं अपने पिस्टन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एडिट डेफिनेशन में चलते हैं। प्लेसमेंट में देखिए इसका पिन जॉइंट हम लोगों ने पहले यूज किया है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे आर्म को कनेक्ट करने के लिए दिया हुआ है। अब मेरे को एक और जॉइंट इसमें ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे न्यू सेट में क्लिक करके एक नया जॉइंट बना रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे कनेक्शन नंबर 33 पिन था, अब कनेक्शन नंबर 45 नया कनेक्शन आ गया। तो मैं इसको क्लिक ड्रॉप डाउन करके स्लाइडर में आ जाता हूँ। तो देखो मेरा अभी क्या आ रहा है, कनेक्शन नंबर 45 स्लाइडर जॉइंट। अब स्लाइडर जॉइंट में एक्सिस ऑफ अलाइनमेंट मांग रहा है, तो मैं पहले प्लेन ऑन कर लेता हूँ। तो एक्सिस ऑफ अलाइनमेंट में मैं अपना पिस्टन का जो एक्सिस है उसको अपने सिलेंडर के एक्सिस के साथ अलाइन करता हूँ, तो मेरा एक्सिस ऑफ अलाइनमेंट हो गया। अब मेरे को पूछ रहा है रोटेशन ऑफ अलाइनमेंट। रोटेशन ऑफ अलाइनमेंट में क्या होता है, अभी हमारा बॉडी जो है एक एक्सिस में हो गया, बट स्टिल वो रोटेट कर सकता है, तो वो हमें देने से ही फुल्ली डिफाइन होगा। तो रोटेशन लॉक करने के लिए हम लोग लेते हैं रोटेशन अलाइनमेंट। तो रोटेशन के लिए मैं एक प्लेन लेता हूँ और मेरे जो पिस्टन का प्लेन है उसके साथ कंस्ट्रेंट कर लेता हूँ। तो देखिए अभी मेरा क्या हो रहा है, कनेक्शन डेफिनेशन कंप्लीटेड। सो फ्रेंड्स, ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मली एक स्लाइडर जॉइंट को लगा सकते हैं। बट अब प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, जब मैं अपना ये वाला आर्म को मूव करता हूँ, अभी ये मेरा तो स्लाइडर जॉइंट है, तो मैं इसको ड्रैग करके दिखाता हूँ। मैं जब इसको मूव कर रहा हूँ तो देखिए एक पॉइंट के बाद, देखिए ये एक एरर है, क्या एरर है, एक पॉइंट के बाद मेरा जो पिस्टन है वो सिलेंडर से बाहर आ जा रहा है। बट रियल टाइम में ऐसा नहीं हो सकता ना डिजाइन में, तो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं हम लोग, उस पर डिस्कस करेंगे। So, अब मैं क्या करता हूँ, अपना पिस्टन को फिर से सिलेक्ट करता हूँ और एडिट डेफिनेशन में चले जाता हूँ। अब जो प्लेसमेंट में जाएंगे और जो कनेक्शन 45 स्लाइडर दिए थे उसको क्लिक कर देंगे। अब हम लोग आ गए हैं अपने स्लाइडर जॉइंट के अंदर। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसमें लिमिटेशन देना है। लिमिटेशन के लिए हम लोग जाएंगे ट्रांसलेशन एक्सिस को क्लिक करेंगे। अब ट्रांसलेशन एक्सिस में क्या मांग रहा है, सिलेक्ट द कंपोनेंट विद जीरो रेफरेंस। तो मैं अभी सिलेक्ट द कंपोनेंट में मैं अपना जो पिस्टन है उसका एक फेस सिलेक्ट कर लेता हूं, और फिर दूसरा है जो मेरा दूसरा रेफरेंस असेंबली, तो उसमें जाके मैं अपने जो सिलेंडर है
उसका फेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो अभी देखिए मेरा एक गैप दिखा रहा है, तो इसको मैं क्या करूँगा, ड्रैग ड्रॉप हैंडल से एक अंदर मिनिमम पॉइंट पे लेकर जा रहा हूँ। ओके, अभी आप टेंशन ले रहे होंगे कि मेरा पिन जॉइंट यहाँ से निकल रहा है, तो उसका टेंशन मत लीजिए, वो जब आप रीजनरेट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो अलाइन कर देगा। तो अब मैंने एक पोजीशन जो मेरा बाहर का मैक्सिमम पोजीशन होगा वहाँ पे मैंने रख लिया, और फिर यहाँ पे सेट जीरो पोजीशन है उसको क्लिक कर दिया। तो देख रहे हैं मेरा इनिशियली क्या हुआ, ये जीरो पे सेट हो गया। अब मैं मिनिमम कितना जा सकता है मेरा उसको सेट करूँगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, -600 तक ले जाऊँगा। तो मेरा पोजीशन क्या हुआ, -600 कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे मैं मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट को चेक कर लेता हूँ। मिनिमम लिमिट में मेरे को क्या रखना है, -600, और अब मैक्सिमम लिमिट में क्या रखना है, 0। ओके, अब हम फिर वो एरर चेक करते हैं। ड्रैग हैंडल में चलते हैं, मेरे पिस्टन को पकड़ता हूँ मैं और ड्रैग करता हूँ, तो इंटरनली पूरा जा रहा है, एक्सटर्नली जब मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो ये लॉक हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए लॉक हो चुका है। तो अब हम चलते हैं एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में जाके यहाँ पे हम जाएंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में सर्वो मोटर पे सिलेक्ट कीजिए। अब देखिए जब आप स्लाइडर जॉइंट यूज करते हैं तो यहाँ पे एक सिंबल आता है, क्या एक स्क्वायर होगा और उसमें एक एरो डिस्प्ले कर रहा होगा। बट अगर आपका जब पिन जॉइंट होगा तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, दो पिन होगा, एक रोटेशन एक्सिस दिखा रहा होगा और एक डायरेक्शन दिखा रहा होगा। तो हमें देना है स्लाइडर जॉइंट में मोटर। तो मैं क्या करता हूँ, अपने स्लाइडर जॉइंट में सर्वो मोटर फिट कर लेता हूँ। अब मैं इसका डायरेक्शन फ्लिप कर देता हूँ। अब प्रोफाइल डिटेल्स में आते हैं। प्रोफाइल डिटेल्स में ड्रिवन क्वालिटी को चेक करके वेलोसिटी डाल दीजिए। वेलोसिटी को डाल दीजिए 20 mm/s, और देन डायरेक्शन को कर दीजिए फ्लिप। ओके, अब हम चलते हैं मैकेनिज्म एनालिसिस में। टाइप ऑफ एनालिसिस में काइनेमेटिक्स रख लीजिए। स्टार्टिंग टाइम 0 रखिए, एंडिंग टाइम को 25 कर लीजिए, और देन रन कीजिए। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरा बॉडी अब मूव करने लगा। सो फ्रेंड्स अब इस मोशन को देखने के लिए प्लेबैक में आइए। प्लेबैक में आपका दिखा रहा है एनालिसिस डेफिनेशन 1, इसको पहले सेव कर लीजिए कहीं पे भी। आफ्टर दैट यहां पे एक बटन है प्ले करंट रिजल्ट सेट, उसको क्लिक कीजिए। देन रिवर्स डायरेक्शन एट एंड ऑन कर दीजिए, स्पीड फुल दे दीजिए और प्ले कीजिए। सो अब आपका एक्सेलरेटर काम कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब आता है टॉपिक ऑफ डिस्कशन। हमने जो कंस्ट्रेन दिया है उसका काम कहां पे आ रहा है। सो अब जब मैं मैकेनिज्म प्लेबैक में एंड टाइम को बढ़ा देता हूँ, एंड टाइम को दे देता हूँ सपोज मैं 45, और फिर मैं करता हूँ रन। सो देखिएगा एक टाइम के बाद मेरा एनालिसिस स्टॉप हो जाएगा। देखिए अब क्या दिखा रहा है मेरे को, मैकेनिज्म डिस्कनेक्टेड, क्योंकि हमारा जो लिमिट सेट किया था, हमारा जो पिस्टन है वो उसको क्रॉस ओवर कर रहा है, इसीलिए सिस्टम दिखा रहा है मैकेनिज्म डिस्कनेक्टेड। So, अब क्या करना है, स्टॉप करके आपको उसके हिसाब से अपना एंड टाइम फ्रेम को सेट करना है डिजाइन में। जैसे कि मैं कर लेता हूँ फिर से पोजीशन में ले लिया, और अब मैकेनिज्म में जाकर मैं देता हूँ अगेन 25 एंड देन रन। ओके, सो सिमिलरली फ्रेंड्स आप ये दोनों सिलेंडर पिस्टन का जो अरेंजमेंट है इसको भी स्लाइडर जॉइंट दे सकते हैं और पूरे एक्सकेवेटर को फंक्शनल कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर मारिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।